बिहार राज्य पुलिस मुख्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल ने सभी पुलिस अधिकारी, सभी पुलिस पदाधिकारी, सभी कर्मचारियों को मग्न निषेध दिवस के अवसर पर शराब न पीने, शराब पीने के लिए किसी को प्रेरित न करने और शराब माफियाओं, शराब तस्करों से किसी तरह का संबंध नहीं रखने को लेकर शपथ दिलाई। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जो भी पुलिस पदाधिकारी कर्मचारी शराब नीति के उल्लंघन में पाए जाएंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, शराब सहित ड्रग्स, चरस, गांजा एवं अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ जो हानिकारक एवं गैर कानूनी है, उन सब पर हम लोगों की नजर है। इस प्रकार की नशा को बेचने वाले, सेवन करने वाले या कारोबारियों को सहयोग करने वाले बक्से नहीं जाएंगे, चाहे इसमें कोई पुलिस पदाधिकारी ही क्यों ना हो। संजीव कुमार सिंघल अपना अपना नाम पढ़ेंगे। पुलिस महानिदेशक बिहार, आज दिनांक 26/11/2021 को पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ शराब का सेवन नहीं करूंगा, मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं, अपना ना रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि संवत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि से शामिल पाया जाऊंगा तो नियम अनुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। जय हिंद, जय हिंद। हम सभी मध्य निषेध दिवस, नशा मुक्ति दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है उसके अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। जिस समय बैंड बजाया जाएगा उस समय आप लोग दाहिना हाथ ऊपर करेंगे और मैं पुलिस महानिदेशक महोदय को शपथ दिलाने के लिए इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।